गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्यामंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसो के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम आठवीं क्लास के विज्ञान विषय का नवा पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो टॉपिक दे रखा आपका जंतुओं में जन्म, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इस लेसन पर आज अपना वीडियो लेक्चर सेकेंड है। इस वीडियो लेक्चर सेकेंड में अपन देखेंगे मादा जनन तंत्र। बात की जा रही है कि जंतुओं में जनन का प्रोसेस क्या होता है, जंतु जनन क्यों करते हैं, क्या आवश्यकता होती है। तो काफी चीजों को अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करके आपको मैटर ऑफ डेट करवाया गया। जंतुओं में जनन नॉर्मली प्रोसेस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो अपनी संतति को बनाए रखने के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपने आने वाले जो कह सकते हैं कई साल तक अपने संतति को बनाए रखने के लिए, आने वाले समय तक अपना स्थायित्व बनाए रखने के लिए संतति पैदा करता है। संतति पैदा करने के लिए मुख्य करता है जनन प्रक्रिया संपन्न होता है। अब जनन की प्रक्रिया मुख्य रूप से दो विधियों द्वारा संपन्न होती है। एक तो होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन का प्रोसेस संपन्न होता है। लैंगिक जनन को अपन स्पीक कर रहे हैं। लैंगिक जनन के अंतर्गत लैंगिक जनन मुख्य रूप से दो घटकों पर डिपेंडेंट करता है। लैंगिक जनन को करना है या संपन्न करना है तो उसके लिए दो घटक होना नेसेसरी बताएं के एक तो नर और एक मादा। नर और मादा युग्मक दोनों अलग अलग प्रकार के पार्टिकल, दो अलग अलग जीव होते हैं, वो आपस में रिएक्शन करके क्या करते हैं, लैंगिक जनन को संपन्न करते हैं। तो कल आपने वीडियो लेक्चर में देखा था कि नर जनन तंत्र की विस्तार प्रोसेस कल वाले वीडियो लेक्चर में आपने की थी। नर जनन तंत्र में एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, वसन पाए जाते हैं जो शुक्राणु का निर्माण करते हैं, और शुक्राणु भी एक प्रकार के गुणसूत्र के रूप में अपना गुण प्रदर्शित करते हैं जो वीर्य विसर्जन के रूप में पाए जाते हैं। शुक्राणु एक कोशिके के युग्मक होते हैं जो नर द्वारा स्त्रावित होते हैं। उसके बाद में आपने ये भी पढ़ा था कि शुक्राणु का स्त्रावण होने के बाद में जैसे बॉडी से वो अलग अलग पार्ट से होते हुए आगे सप्लाई होती है और उसके माध्यम से अपन देखते हैं कि शुक्राणु विभिन्न प्रकार की क्रिया करते हुए भ्रूण का मेन पार्ट होता है वो क्या होता है, स्पर्म होता है शुक्राणु। और शुक्राणु विभिन्न प्रकार के नर युग्मक से नर से आने वाले आनुवंशिक लक्षणों को क्रेडिट करते हुए लेके साथ में जाते हैं और संतति उत्पन्न होती है। उसमें नर के जो सामान्य गुणधर्म होते हैं उनको नई पेटी में ट्रांसलेशन करने का कार्य भी करते हैं। तो काफी चीजों को कल अपने डिस्कस करके बताया था कि शुक्राणु एक शुक्रा दो शुक्रा से पाए जाते हैं जो वसन से शुक्राणु का उत्पादन होता है, फिर बाद में शुक्रवाहिनी के द्वारा वो मूत्र जनन प्रक्रिया में उसकी सप्लाई होती है, और फिर बाद में वो डायरेक्ट किस में आते हैं आपके सिस्टम में आते हैं, और फिर बाद में लैंगिक प्रक्रिया के दौरान उसका क्या होता है, स्त्रावण होता है। बेसिकली कल आपने उस चीज को आपने स्टडी किया था। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं किसको मादा जनन तंत्र का प्रोसेस क्या होता है, किस प्रकार से संभव होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टी, उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। नॉर्मल सा टॉपिक है कोई, जिसमें आप देखते हैं कि क्या होता है कि मादा जनन में एक जोड़ी क्या पैदा होता है, अंडा से क्या पैदा होता है, एक जोड़ी अंडा से पैदा होता है, एक जोड़ी अंडा से अंडवाहिनी गर्भाशय और योनि पैदा होती है, और उसके अकॉर्डिंग उसमें जनन तंत्र का सिस्टम जनरेट होता है। एक तंत्र को जनरेट करने के लिए आपने कल भी मैंने बताया था कोई भी तंत्र बनता है उसके लिए छोटी छोटी कोशिका से मिलकर उत्तक बनता है। उत्तक से क्या बनता है आपके एक प्रकार का अंग बनता है, और विभिन्न प्रकार के अंग आपस में समान प्रकार के रिएक्शन को एक्टिव करने में भूमिका निभाते हैं, तो पूरा एक बनता है तंत्र। तो ऐसे कैसे देखते हैं मादा जनन तंत्र की बात करने जा रहे हैं तो इसके मुख्य क्या है, अंग। ये क्या बताया जा रहे हैं, अंग। तो देखिए इसका डायग्रामिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने कर रखा है, तो आप देखते हैं कि मादा जनन तंत्र का किस प्रकार से प्रोसेस होता है कि यहाँ पे क्या दो पैर होते हैं अंडा से, दो क्या पैर होते हैं अंडा से, और ये पार्ट इसमें आपको बताया जा रहा है ये मूत्रा से पार्ट इसमें होता है जो आगे यूरिन की सप्लाई करने का कार्य करता है। और आप देखते हैं नर व मादा दोनों में मूत्र जनन प्रोसेस का कॉमन अंग काम करता है, मूत्र विसर्जन भी होता है और जनन प्रक्रिया को भी संपन्न करने में उसकी भूमिका रहती है। जनरली मादा में थोड़ा सिस्टम अलग होता है, सेपरेशन होता है, परंतु नर में कॉमन सिस्टम चलता है। देखिए जैसे दो जोड़े अंडा से पाए जाते हैं, जब या तो अंडा से ये भी विकसित होकर हो सकता है और ये भी हो सकता है,
जैसे खान पान पे डिपेंड करता है, जो अंदर से एक्टिव हो जाता है उससे पर मंथ हर प्रति मास एक अंडा का क्या होता है, निर्मोशन होता रहता है। ये प्रोसेस किशोर अवस्था में शुरू हो जाता है। कौन से अवस्था में? किशोर अवस्था में। आप देखते हैं तो इस प्रक्रिया को संपन्न करने में प्रोसेस शुरू हो जाता है। किशोर अवस्था की बात करते हैं तो अपन किशोर अवस्था बालकों में देखी जाती है। नॉर्मली बालक में किशोर अवस्था की बात करें तो बालकों में किशोर अवस्था की अवस्था शुरू हो जाती है लगभग एवरेज 16 वर्ष से ऊपर, 16 से 18 वर्ष के आसपास ये प्रोसेस बच्चों में शुरू हो जाता है, किशोर अवस्था की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फिर बाद में आगे बढ़ते रहते हैं और फिर बाद में आप देखते हैं 30 साल के बाद में क्या आ जाता है, 32-30, फिर बाद में तो युवा अवस्था में इंटर कर लेते हैं। तो नॉर्मली प्रोसेस जन्म प्रक्रिया के संबंध करने का टाइमिंग पीरियड क्या शुरू हो जाता है, बालकों बताए जा रहे हैं तो बताए जा रहे हैं 16 से 18 वर्ष के आसपास प्रक्रिया संपन्न करना शुरू हो जाते हैं, और बालिका बताए जा रहे हैं 14 वर्ष के आसपास। मतलब किशोर अवस्था के द्वारा शुक्राणु का बनना, अंडाणु का निर्पोषण होना, ये प्रोसेस नॉर्मली संपन्न होना शुरू हो जाता है। जनरली ये बात दिमाग में आपके होने चाहिए। देखिए अब इसमें क्या होता है, जब खान पान के अकॉर्डिंग हर मंथ अंडाशय द्वारा एक अंडाणु क्या होता है, निर्माशन होता रहता है, हो सकता है इसके द्वारा भी हो और इसके द्वारा भी हो सकता है, तब प्रत्येक जो अंडा निर्माशित हो रहे हैं वो आगे जनन प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए क्या होता है, एक्टिव होता है, तैयार होता है, रेडी होता है, और उस शुक्राणु के साथ में क्रिया करके जनन प्रक्रिया संपन्न करके भ्रूण का निर्माण करने के लिए क्या करता है, एक्टिव होता है और जनन प्रोसेस संपन्न करता है। वैसे ही आप देखते हैं इसमें एक जोड़ी अंडाशय अंडवाहिनी गर्भाशय और योनि, जैसे ये तो हो जाएगा आपके अंडाशय दो पार्ट दिमाग बनेगी, ये दो अंडाशय और उसके बाद में ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके अंडवाहिनी, जहाँ से अंडा का निर्माण होने के बाद में गर्भाशय में एंटर करता है, और ये पार्ट क्या हो जाएगा पूरा गर्भाशय का, और ये पार्ट क्या हो जाएगा योनि। अब इनका अलग अलग का अलग अलग कार्य होता है और सिस्टमेटिक्स अलग अलग प्रोसेस प्रदर्शित होते हैं। देखिए अंडाशय से अंडा मुक्त होता है जो अंडवाहिनी द्वारा गर्भाशय में आता है और निषेचन की प्रक्रिया के उपरांत गर्भाशय में भ्रूण का रोपण करने का कार्य करता है। जैसे अंडाशय से अंडा अंडवाहिनी द्वारा गर्भाशय में आता है जो निषेचन की प्रक्रिया द्वारा यहाँ पे भ्रूण का क्या होता है, रोपण होता है। आगे देखते हैं मानव जाति स्त्री में प्रति मास दोनों अंडाशय में से किसी भी एक अंडाशय द्वारा एक अंडा मुक्त किया जाता है प्रति माह हर मंथ के प्रोसेस के अकॉर्डिंग देखें तो एक अंडा क्या होता है निर्मोशन होता हुआ बताया गया, नॉर्मल प्रोसेस है। आगे देखते हैं आप गर्भाशय में शिशु के विकास हमेशा विकास की प्रक्रिया बताई जा रही है तो वहां पर संपन्न होती गर्भाशय में विकास का प्रोसेस संपन्न दिखाया गया। आगे अपन देखते हैं कि अंडा एक कोशिकीय युग्म होता है जो मादा द्वारा स्रावित किया जाता है, अंडा भी एक प्रकार का एक कोशिकीय है, तो अपन बात करें चाहे बहुकोशिकीय हो चाहे एक कोशिकीय हो, जीव की उत्पत्ति का आधार एक कोशिका ही बता रखिए। जब एक एक कोशिका आपस में मिलकर बहुकोशिका का निर्माण करते हैं और उसके आधार पर सजीव पूरे वर्ग अणु के रूप में देखने को मिलता है, परंतु आप शुरुआती बात पे अपनी भी बात करें तो अपनी भी अवस्था एक कोशिका से हुई, एक एक कोशिका आपस में मिलकर बहुकोशिका के रूप में, एक कोशिकीय अंडा भी होता है और एक कोशिकीय होता है स्पर्म भी एक कोशिकीय होता है, दोनों की एक कोशिका बता रखी है, और फिर बाद में एक एक कोशिका पुनः देखिए ये है आपका अंडा, ये अंडा क्या हो जाएगा आपके केंद्र क्या हो जाएगा केंद्र बोर्ड, उसमें क्या पाया जाता है मटेरियल पाया जाता है, ये द्रव्य रूप में अलग अलग कोशिका द्रव्य रूप में इसमें देखने को मिलता है, ये तो इसमें क्या हो जाएगा केंद्र, और इसके ऊपर क्या पाया जाता है आपके बेसिकली केंद्र, ये द्रव्य कोशिका द्रव्य कह सकते हैं, अंडा द्रव्य कह सकते हैं, और ये हो जाएगा आपके पीत, पीत की परत पाई जाती है, जंतुओं में पीत मनुष्य की तुलना में क्या होती है अधिक देखने को मिलती है और मनुष्य में इसकी मात्रा क्या कम देखने को मिलती है।
तो अपन जनरली प्रोसेस के अकॉर्डिंग देखें तो अंडा से भी एक कोशिका, अंडा भी एक कोशिका होता है, स्पर्म भी क्या होता है एक कोशिका। और जब आपने देखा होगा कल हमने बनाया था स्पर्म का डायग्राम रिप्रेजेंट करके बताया था कि जैसे ही अंडे के ये संपर्क में आता है पूरे बॉडी के बारे में। अपने शरीर में कई प्रकार के भाग होते हैं और उनका निर्माण अलग अलग कोशिका से होता है और उनका सभी का अलग अलग कार्य बताया गया। तो देखिए जनरली एक बार पुनः जो मैटर आपके सामने रिप्रेजेंट कर रखा है उसको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं निषेचन की प्रक्रिया को अपन स्टडी करते हैं। देखिए मादा जननांग तंत्र, मादा जननांग तंत्र में एक जोड़ी वर्ष अंडा से अंडवाहिनी गर्भाशय व योनि पाई जाती है। अंडाशय से अंडा मुक्त होता है, अंडवाहिनी द्वारा गर्भाशय में जाता है और निषेचन की प्रक्रिया के उपरांत गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है। मानव जाति स्त्री में प्रति मास दो अंडाशय में से किसी भी एक अंडाशय द्वारा अंडा मुक्त होता हुआ बताया गया है। सामान्यतः ये जनन प्रोसेस की अवस्था क्या बता रखी, किशोर अवस्था के दौरान ये प्रोसेस देखा जाता है। किशोर अवस्था से लेकर मरण उपरांत तक ये प्रोसेस चलता रहता है, परंतु जनन की प्रक्रिया नॉर्मली प्रोसेस देखें मादा में कुछ समय के बाद में क्या हो जाती, रुक जाती है। जनन टाइमिंग पीरियड होता है ना, वो आप देखते हैं नर में टाइमिंग आपके देखें तो नॉर्मली 16 से 18 वर्ष से लेकर खान पान पर डिपेंड करता है, मृत्यु तक कह सकते हैं, डायरेक्ट कह सकते हैं, मतलब 90 से 100 साल तक हो सकता प्रोसेस तब। और मादा में प्रोसेस 14 से 16 वर्ष के आसपास शुरू होता है और 45 से 55 साल की उम्र तक ये प्रोसेस क्या होता है, ये जनन प्रोसेस का टाइमिंग पीरियड बता रखा है। और यह बाल्य अवस्था या किशोर अवस्था का शुरू होने का प्रोसेस बता रखा है, कब शुरू होती है, क्या प्रोसेस होता है, उसको आपने डिस्कस किया है। तो नॉर्मल सा हर चीज आपको जो मेट्रो ऑपरेंट करवा रखा है उसको एक एक चीज को आप समझे, उसके बाद में देखें अलग अलग पार्ट के अलग अलग कार्य बता रखे हैं। जैसे आपके जैसे अंडाशय के अलग कार्य, गर्भाशय के अलग कार्य और योनि के अलग कार्य, ग्रीवा के अलग कार्य, फेलोपिक ट्यूब होती है उसके अलग कार्य, जहाँ पे जनन प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ये प्रोसेस एक एक चीज को आपको समझना नेसेसरी है। आगे देखते हैं गर्भाशय में शिशु का विकास होता है, अंडा एकल कोशिकीय युग्मक होता है जो मादा द्वारा स्त्राग होता है, डायग्रामिकल आपके सामने रिप्रेजेंट कर रखा है। और उसके बाद में जो मैटर आपको अध्ययन करवा रखा है
तो जितना आपको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको आवश्यकता है वो सारा सारा मैटर आपको दर्शा रखा है। एक एक चीज़ को आप व्यवस्थित रूप से पढ़ें, ध्यान से जो मैटर दिया रखा है उसको पढ़ें व्यवस्थित, और साथ साथ में आप व्यवस्थित शॉर्ट उसमें नोट्स बनाते रहे ताकि आपको मैटर दिमाग में रहे। तो आज अपने देखिए इसको मादा जननांग तंत्र, कल अपन पढ़ेंगे विशेषण के प्रोसेस, क्योंकि जैसे भैया मैटर आपके ज़्यादा काफ़ी हो जाएगा फिर बाद में आप कवर करने में थोड़ी समस्या रहेगी। तो कल अपने अगले वीडियो लेक्चर में आप देखोगे कि निषेचन का प्रोसेस किस प्रकार से संपन्न होता है, कहाँ होता है, निषेचन कितने प्रकार के होते हैं, निषेचन प्रोसेस संपन्न होने के बाद में भ्रूण का विकास होता है, रोपण कहाँ होता है, क्या प्रोसेस होता है, काफ़ी चीज़ें उसमें देर की जल्द बाज अपन मटेरियल को अपडेट नहीं करवाएंगे, उसको अपन कल वाले वीडियो लेक्चर में व्यवस्थित रूप से स्टडी करेंगे। तो आज आपको ओनली फॉर एक ही टॉपिक आपको मटेरियल अपडेट करवा रहा है कि मादा जननांग तंत्र का प्रोसेस क्या होता है, अंडा और शुक्राणु एकल कोशिका के होते हैं, किसके द्वारा इस तरह होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टी होती है, काफ़ी चीज़ों को आपने डिस्कस करके समझा। तो हर चीज जो चीज़ आपको दी जा रही है उसको व्यवस्थित रूप से एक एक चीज़ को याद करते हुए आगे बढ़े। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपको पढ़ाई कंटिन्यू मिल रहे, घर पर सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहे। किसी भी प्रकार की समस्या या डाउट या प्रॉब्लम या कंफ्यूजन हो रहा है तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट उसके उस चीज का समस्या का समाधान करें, ताकि उलझन हर चीज में बाधा उत्पन्न करती है, उलझन न रखें, क्लैरिटी बनाए रखें, जो भी काम कर रहे हैं मन लगा के पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।